टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन इन नवंबर 2024। तो दोस्तों, नवंबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में बहुत सारे स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। रेडमी, मोटरोला, रियलमी, ओप्पो, शाओमी, आईक्यू, वन प्लस और आसूस, सारे ब्रांड अपने अपने फोन लॉन्च करने वाले हैं। और स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन 8 इलाइट प्रोसेसर है, वो भी इन स्मार्टफोन में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग भी नए स्मार्टफोन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो रुकिए, क्योंकि नवंबर मंथ में टोटल 10 से ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। कौन से लीक्स निकल के आ रही है स्मार्टफोन से रिलेटेड और क्या कुछ खास फ्यूचर मिलने वाला है, मैं 10,000 से लेके 1,00,000 तक के जो फोन आने वाले हैं सभी कवर करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडमी की तरफ से रेडमी 40C 5G लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, रेडमी 30C 5G जो फोन था वो भी माल का फोन था। अच्छा, उसी को कंटिन्यू रखते हुए Redmi अपना 14C नवंबर मंथ में लॉन्च करने वाला है। तो आइए जानते हैं इसकी स्पेक्स की क्या कुछ मिलता है इसमें। इसमें हमें 6.88 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है। MediaTek Helio G81 का अल्ट्रा चिपसेट मिलता है। डुअल कैमरा सेटअप आता है, मेन कैमरा 50 MP का और दूसरा 2 MP का डेप्थ कैमरा। सेल्फी कैमरा 13 MP का आता है। 5160mAh की बैटरी विद 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस 10,999 होने वाला है। नेक्स्ट, Redmi का नोट 14 सीरीज भी लॉन्च होने जा रहा है जो कि Redmi का सबसे ज्यादा सेल होने वाला फोन है। और सबसे खास बात ये है कि इसमें आपको IP69 रेटिंग मिलता है, मतलब पानी के अंदर घुसा दोगे तो कुछ नहीं होगा। स्पेक की बात करें तो 6.67 इंचेस का OLED 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलता है। MediaTek Dimensity 7025 का अल्ट्रा प्रोसेसर मिलेगा। 50+2 MP का कैमरा सेटअप के साथ आएगा और सेल्फी कैमरा 16 MP का मिलेगा। 5110mAh की बैटरी विद 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। एक्सपेक्टेड प्राइस 12,990 होने वाला है। Redmi Note 14 Pro की तरफ चलते हैं तो 6.67 इंचेस का 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलेगा। 50+8+2 MP का कैमरा सेटअप आएगा। सेल्फी कैमरा 20 MP का होगा। 5500mAh की बैटरी होगी, उसी के साथ 45 वाट का चार्जर। एक्सपेक्टेड प्राइस 16,990 होगा। नेक्स्ट, हम लोग Redmi Note 14 Pro Plus की बात करें तो 6.67 इंचेस का AMOLED 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले आता है। Snapdragon 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलेगा। 50+50+8 MP का कैमरा सेटअप आएगा। Redmi Note 14 Pro Plus में आपको 6200mAh की बैटरी मिलेगी, उसी के साथ 90 वाट का चार्जर। एक्सपेक्टेड प्राइस 22,990 होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, यहाँ पे Motorola भी अपना G75 को लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मोटो का जो G85 फोन था वो काफी कमाल का फोन था। मोटो G75 को भी लॉन्च करेगा क्योंकि ये बजट फोन रहने वाला है मोटो की तरफ से। प्राइस अराउंड 13,000 से 15,000 के बीच में रहने वाली है। एस्पेक्ट की बात करें तो 6.78 इंचेस का IPS LCD 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा। Snapdragon 6 Gen 3 का प्रोसेसर आएगा। 50+8 MP का कैमरा सेटअप होगा और सेल्फी कैमरा 16 MP का। 5000mAh की बैटरी होगी, उसी के साथ 30 वाट का चार्जिंग सपोर्ट और 15 वाट का रिवर्स वाले चार्जर भी मिलेगा। नेक्स्ट फोन Realme की तरफ से आ रहा है, Realme GT 7 Pro। यस दोस्तों, Realme के जो GT 6 फोन थे वो भी कमाल के फोन थे। अब Realme GT 7 Pro को लॉन्च करने जा रहा है जो और भी ज्यादा पावरफुल और ऑप्टिमाइज है। Realme GT सीरीज है स्पेशली गेमिंग के लिए। तो चलिए स्पेक्स की बात करते हैं। 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है। Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। 50+50+8 MP का कैमरा सेटअप आएगा और सेल्फी कैमरा 16 MP का। GT 7 Pro में 6500mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि गेमिंग के लिए काफी अच्छा है। इस फोन का एक्सपेक्टेड प्राइस 54,990 होगा। नेक्स्ट फोन Oppo Find X 8 Pro जो कि इंडिया के बाहर लॉन्च हो चुका है 24 अक्टूबर को, बट इंडिया में भी जल्दी आने वाला है। ओप्पो के जो एक्स सीरीज होते हैं वो स्पेशली कैमरे के लिए होते हैं। ये फोन बड़े बड़े DSLR को टक्कर दे देता है। एक्सपेक्ट की बात करें तो 6.78 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करेगा। MediaTek Dimensity 9400 का प्रोसेसर मिलने वाला है। यस दोस्तों, कैमरे की बात करें तो 50+50+50 MP का कैमरा सेटअप होगा जिसमें पेरिस्कोप लेंस भी है और 15 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। सेल्फी कैमरा 32 MP का होगा।
5910mAh की बैटरी विद 80W का चार्जर, 50W का वायरलेस चार्जर भी होगा। एक्सपेक्टेड प्राइस 62,990 होने वाला है। नेक्स्ट फोन Xiaomi 15 Pro। यस दोस्तों, Xiaomi 15 Pro भी लॉन्च होने वाला है। ये भी फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ आएगा और 6100mAh की बैटरी होने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस 69,990 होने की उम्मीद है। नेक्स्ट IQ 13 5G। दोस्तों IQ 11, 12 के बाद अब IQ 13 लॉन्च करने जा रहा है। IQ 12 जो फोन था वो काफी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर के साथ आता था, बट अभी जो IQ 13 लॉन्च होने वाला है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Snapdragon Elite प्रोसेसर की, जो काफी पावरफुल है। इसमें हमें 6.82 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे वर्क करता है। Snapdragon 8 Elite का प्रोसेसर मिल ही रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप और तीसरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का आता है। 6150mAh की बैटरी मिलती है, उसी के साथ 120W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। रूमर्स की माने तो इस फोन का प्राइस 54,990 होने वाला है। IQ 13 का प्रो मॉडल भी आने वाला है, जो कि एक्सपेक्टेड प्राइस 72,990 होगा। फ्लैगशिप लेवल की बात हो रही है तो यहाँ पे OnePlus भी चुप नहीं बैठा है। OnePlus अपना OnePlus 13 लॉन्च करने वाला है, जहाँ पे आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगी और 100W का सुपर वुक चार्जर। नेक्स्ट जो फोन है उस फोन का हर कुछ आपको फ्लैगशिप किलर मिल जाएगा और गेमिंग के लिए तो कहना ही नहीं है, इस फोन में आउटस्टैंडिंग गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Asus ROG फोन 9 के बारे में। इसका लॉन्च डेट भी निकल कर आ गया है, जो कि 19 नवंबर है। इसमें आपको 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा और 5800mAh की बैटरी मिलेगी और 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 99,990 है। इसका प्रो मॉडल आने वाला है और FE मॉडल भी। Asus ROG फोन 9 प्रो का एक्सपेक्टेड प्राइस 119,900 होगा और Asus ROG फोन 9 FE का एक्सपेक्टेड प्राइस 79,990 होने वाला है। अगर आपको अंडर 25,000 में बेस्ट स्मार्टफोन लेना है तो आप वीडियो में क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो ये था नवंबर के मंथ में आने वाला कुछ न्यू स्मार्टफोन। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।